हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुविद्या। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डायलिसिस का मतलब क्या होता है। तो लास्ट क्लास में जब हमने किडनी की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, टू एलिमिनेट द बॉडीज मेटाबॉलिक वेस्ट। बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन होता है उसके एक्यूमुलेशन को एलिमिनेट करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। और इसके साथ हमने देखा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच इज नेफ्रोन। सो अगर कोई ऐसा रीजन हो या कोई ऐसा केस हो जाए जिसकी वजह से किडनी अपने फंक्शन को करना बंद कर दे, हो सकता है किसी इंजरी की वजह से, हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, हो सकता है कि बॉडी में किसी रीजन से किडनी जो है वो अपना फंक्शन करना बंद कर दिया है, या किडनी फेल हम जिसे बोलते हैं वो हो गई है, किडनी फेलियर हो चुका है, तो उस परिस्थिति में आर्टिफिशियल मेथड का उपयोग किया जाता है। और वो आर्टिफिशियल मेथड क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा जितना भी वेस्ट का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये जरूरी है क्योंकि अगर किडनी ने अपना फंक्शन नहीं किया और हमने किसी आर्टिफिशियल मेथड का भी यूज नहीं किया तो बॉडी में ही वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, उन्हीं की बढ़ोतरी होने लगेगी। सो इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट सर्वाइव। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा मेथड का उपयोग किया जाए जो कि किडनी की तरह फंक्शन कर सके, और उसी को कहा गया है हीमोडायलिसिस। सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी इज नीडेड। द किडनी लूज द एबिलिटी टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी और देयर एक्टिविटी इज हाईली रिड्यूस्ड। तो कब जरूरत पड़ती है हमें आर्टिफिशियल किडनी की, उस कंडीशन में जब हमारी जो किडनी है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने की एबिलिटी खो दे। सो दे फेल टू परफॉर्म देयर वाइटल फंक्शंस। देयर आर मेनी रीजंस फॉर किडनी फेलियर सच एज इंजरी, इन्फेक्शन एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो दैट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन आवर बॉडी। सो आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। नाउ व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो आर्टिफिशियल मेथड है ये, अलग से उपयोग में लिया जाता है, हम अभी इसको डायग्राम के साथ समझेंगे, ताकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जितना भी एक्सेस वाटर है या एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर जा सकें। इसके लिए आर्टिफिशियल मेथड का उपयोग किया है और वो है डायलिसिस। तो अब हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार ये पूरा स्ट्रक्चर है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस। सो आर्टिफिशियल किडनी इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डायग्राम में कि यहाँ पर बहुत सारी आपको अंदर ट्यूब्स दिख रही हैं जो कि क्या है, दे हैव सेमी परमिएबल लाइनिंग्स। ओके, यानी ये जो मेम्ब्रेन हैं, ये जो ट्यूब्स हैं, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। These tubes are suspended in a tank filled with dialyzing fluid. अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारी जो membrane है वो एक tank के अंदर है और साथ में यहाँ पर दिया गया है एक fresh dialyzing solution. Okay? तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, selectively permeable membrane. तो ये selectively permeable membrane की ये ट्यूब्स होती हैं, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, ये फील्ड भरा हुआ होता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन के साथ। ओके, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के समान ही होता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एज वेल एज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड इज सेम। लेकिन एक डिफरेंस है कि इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे। तो एक टैंक है, टैंक में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, उसके साथ साथ एक फ्लूइड है, और वो जो फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। अब वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है, इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको एक अलग टैंक में, अलग हम कह सकते हैं बोतल में रखा गया है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होगा। The blood of the patient is passed through dialyzing tubes. Okay, तो एक particular tube है और starting जो होगी वो human beings की artery से blood जो हैगा वो transfer होगा। ये आपको याद रखना है, arteries from arteries to pump, और यहाँ पर एक pump system होता है। pump system जो होता है वो पूरे blood का जो circulation जो हो रहा है उसको regulate करने के काम करेगा। So as blood passes through the tube,
अब जैसे ही ब्लड जो है ये ट्यूब से पंप की ओर जाएगा, पंप से अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की ओर। तो जैसे ही सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में जाएगा, यहाँ पर एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का उनकी हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मूवमेंट होना। तो यहाँ पर हम जैसे ब्लड का यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो हमें पता है कि इस कंडीशन में अभी ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, वो डायलेसिंग फ्लूड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। सो एज ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूब, द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू डायलेसिंग फ्लूड विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट आर्टिफिशियल किडनी, डस फिल्ट्रेशन बट नो रीअब्सॉर्प्शन लाइक किडनी। अब उसके बाद जो प्योर ब्लड है उसको वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम अपरेटस टू वेन्स में, इनको वेन्स में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जो लिक्विड जो फ्लूइड बचा है, जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, उसको एक अलग बॉटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम जो है वो कंप्लीट चलता रहता है। एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि आर्टिफिशियल किडनी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन जैसे जो किडनी में जो रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस के माध्यम से नहीं हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि किडनी और आर्टिफिशियल किडनी में डिफरेंस क्या है। अगर हम किडनी की बात करते हैं, सो इट इज़ अ नेचुरल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स टू फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, बट इट इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। ओके, नेक्स्ट किडनी की अगर बात करते हैं, तो किडनी इज यूज टू फिल्टर ब्लड इन हेल्दी पर्सन। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत कब करेगी, इट इज यूज इन पर्सन इन विच बोथ किडनीज आर स्पॉइल्ड। किडनी ब्लड दैट पासेस थ्रू द किडनी कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड डायलाइजिंग फ्लूइड यूज्ड इन डायलाइजिंग मशीन डू नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजनस वेस्ट। फोर्थ, पर्सन्स ब्लड पासेस थ्रू मेल्फिगन बॉडी एंड रीनल ट्यूबुल ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, बट इन आर्टिफिशियल किडनी पेशेंट ब्लड इज पासेस थ्रू द नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल सस्पेंडेड लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। फिफ्थ, reabsorption of material take place in kidney but no reabsorption process of material take place in artificial kidney. So that was related to dialysis process. Thank you so much.